हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ खबर और में। दुल्हा दुल्हन ने बारातियों से धुलवाए झूठे बर्तन, इस वजह से ये करवाया था काम। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दुल्हा दुल्हन ने जो बारातियों के साथ किया है, अगर आपकी नजर में ये सब चीजें अच्छी नहीं है तो जूठन करके कमेंट जरूर कीजिए। तो गाइस, एक्चुअली में शादियों में आप लोगों ने काफी ज्यादा मतलब की डांस, मस्ती, मजाक और काफी सारी ऐसी चीजें सुनी होंगी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन करती है और काफी ज्यादा एक्चुअली में शादियां टूट भी जाती हैं कि भाई शादी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हंगामा हो गया, वो हंगामा हो गया। ऐसी शादियों के बारे में तो आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना है, पर आज हम लोग जिस शादी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इस शादी के बारे में जान के आप लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने फेसबुक अकाउंट में इस शादी के बारे में काफी लंबा चौड़ा जिक्र किया है। ऑस्ट्रेलिया से ये हमारे सामने मामला आ रहा है। उस महिला ने यह चीज बताया कि मुझे एक लग्जरी शादी का ऑफर आया था, यानी कि इनविटेशन कार्ड आया था, और मैं जो हूं, मैं इनविटेशन के चलते हुए मैं वहां पर लग्जरी शादी में भी वहां पर पहुंच गई। शादी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी, वहां का खाना जो है वो काफी ज्यादा लजीज था, पर खाना जो है वो एक्चुअली में बहुत जल्दी खत्म हो गया और एक चौथाई लोग जो है वो खाना भी नहीं खा पाए। इसी बीच में वहां की डेकोरेशन, दुल्हन, दुल्हा काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे, पर दुल्हा और दुल्हन ने एक आदमी को एकदम इशारा किया और वो आदमी जो है कुछ बारातियों को लेकर सीधा किचन में चला गया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद बारातियों के लिए कुछ सरप्राइज रखा होगा, पर वहां पर सच में एक सरप्राइज था, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े जूठे बर्तन जो है वो रखे हुए थे और बारातियों को वो बर्तन धोने थे। और ये फैसला जो है दुल्हा दुल्हन ने लिया था। आखिरकार अभी आप लोग जानना चाहते होंगे कि ये फैसला ऐसा आखिरकार कौन लेता है, कौन इतना सरफिरा है। तो हम आपको ये चीज बता दें कि दुल्हा दुल्हन ने ये चीज बताया कि डेकोरेशन और जगह बुकिंग के ऊपर उनका काफी ज्यादा खर्चा हो चुका है और लड़की के गाउन के ऊपर काफी ज्यादा खर्चा हो चुका है, और जो बर्तन उन्होंने रेंट पे लिए थे, अगर वो बर्तन बिना धुलाए अगर वापस भेजे जाते हैं तो दिया गया डिपॉजिट जो है वो एक्चुअली में उनको वापस नहीं मिल सकता है, जिसके कारण वहां पर उनके पास पैसे खत्म हो गए और बारातियों को ही उन्होंने जूठन साफ करने के लिए लगा दिया। और बारातियों ने ये किया और बाराती वहां पर किचन बहुत ज्यादा छोटी थी, लाइन में लग लग के बारातियों ने ये बर्तन जो है वो धोए और धोने के बाद काफी ज्यादा इंसल्ट फील करके वो वहां से निकल पड़े। और इसके बारे में जानकारी जो है उस महिला ने अपने फेसबुक अकाउंट पे दी है। तो अभी आप बताइए कि ये ठीक किया या गलत किया है। अगर गलत है तो जूठन करके कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।